बहुत हो गया तेरा ड्रामा। 5 मिनट के अंदर हवेली खाली कर, वरना यही पर तुम सबकी लाशें बिछा दो। ख्याल से बाहर से मेहमान आएगा। ये क्या माजरा है ऑफिसर? तुम जानते हो मैं कौन हूं? होम मिनिस्टर का बेटा जुनेद। होम डिपार्टमेंट से यहाँ आईजी ऑफिस से मुझे स्क्वाड करने के तुम्हें ऑर्डर्स तो आए होंगे। बिल्कुल मिले थे सर, आईजी साहब के ऑफिस से ऑर्डर्स मिले थे। लेकिन माजरत के साथ के झोंक ख्याल में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो आपके स्क्वाड के काबिल हो सर। आपकी इन गाड़ियों की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाएगी। और दूसरा ये कि मुझे पूरी नफरी को यहाँ लेकर आना पड़ा रेड मारने के लिए सर। एक बहुत खतरनाक मुजरिम को पकड़ना था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारा मुलाजिम किसी जुर्म में मुलव्वस है? सबूत ये मुंदरी है जिसका दूसरा हिस्सा मुख्तार के कान में है। और दूसरा इसका ये जख्मी कान जो इकबाल के साथ झगड़ा करते हुए शायद जख्मी हो गया। बकवास कर रहा है और आप यहां खड़े इसकी बकवास सुन रहे हैं बाबा सिंह? अगर पुलिस को किसी पे शक है तो उन्हें पूरा हक है कि वो अपना शक दूर करें। और वैसे भी कानून तो सबके लिए बराबर है ना वीरल साईं? जुनेद साईं ठीक कह रहे हैं। अगर कोई हमारा जाती मुलाजिम किसी जुर्म में मुलव्वस है या पुलिस को उस पर शक है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका हाथ पकड़कर खुद उसे कानून के हवाले कर दें। अगर बेगुनाह होगा तो खुद ही वापस आ जाएगा। हम सब कानून का एहतराम करने वाले शहरी। और याद रखो कानून सबके लिए बराबर है। जा मुख्तारे, पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे दे और इस हवेली में उस वक्त तक ना आना जब तक अपनी बेगुनाही साबित ना करते हैं। क्या समझे हैं? जादात जी सर, गाड़ी में डालो। मैं सर